देखिए, तो पैन कार्ड का एक्शन उपयोग करने में या फिर कोई भी एक्शन उपयोग करने में या कुछ भी इस तरह का एक्शन यूज़ करते हैं तो देखिए हमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। और हम आपको ऐसा भी बता देते हैं वीडियो में, देखिए इस तरह की एरर आती है। ऐसा एरर आता है, कभी छोटे छोटे हो जाते हैं कुछ चीज़ें, मतलब अगर हम कोई कार्ड वगैरह का उपयोग कर रहे हो तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, और या फिर जैसे कि हम पैन कार्ड में देख रहे हैं तो हाफ कुछ कट कट के आता है, सीधे तरीके से नहीं बनता है। ये क्यों आता है, इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जब आप क्या करते हैं, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर, तो जब आप देखिए यहाँ पर, जब आप इस एडब रीडर में, ये जो एडब रीडर है यहाँ पर, जब एडब रीडर में जो अपनी फाइल है ये वाली, ठीक है, यहाँ आप इसको ओपन करते हो और यहाँ पे लेकर आते हो ऐसे, इस वाले पे, जब एडब रीडर से यहाँ पर लेकर आते हो, तो अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके देखेंगे यहाँ इसकी फाइल को, तो देखेंगे रेजोल्यूशन 72 है। इसकी बिट भले ही यहाँ पर है लेकिन रेजोल्यूशन कितना होगा, 72। तो आपको क्या करना है, जो रेजोल्यूशन है इसको आपको कर देना है 300, और वापस से इसको जो आपका जो नंबर था पहले उसको एज इट इज ऐसे कर देना है और ओके कर देना है। होगा कुछ नहीं, क्या होता रहेगा, साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जैसे अब एक्शन आप प्ले करोगे तो आपका जो कार्ड है और जो साइज है वो परफेक्ट जमेगा। ये रहता है कंप्यूटर समझने का, वो समझता है अपने हिसाब से जो एरर बता देता है, तो हमें अपने इस चीज़ों को दूर कर लेना। एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह से हमें करना है, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। जैसे एरर रीडर है, ठीक है, हमने कोई भी चीज़ एरर रीडर में ही ओपन किया हुआ है, एरर रीडर में ओपन किया हुआ है। अभी देखिए इसको हम फोटोशॉप में ले चलते हैं, यहाँ क्लिक करके तो ये फोटोशॉप में आ रहा है, ठीक है, ये आ गया फोटोशॉप में। अब अगर हम यहाँ पर जब इसके ऊपर राइट वाला क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज साइज पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी अभी जो हमने सेटिंग कर लिया है, पहले नहीं था सेटिंग, अब हमने इसको सेटिंग कर लिया तो 300 मतलब तीन, ये क्या बोलते हैं, 300 बाय डिफॉल्ट आएगा। अभी पहले ये आ रहा था 72, तो जिन लोगों को ये आ रहा था अब उनको सेट कर देना। देखिए पहले ऐसा आ रहा था, ऐसा अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा आ रहा था, इसका रेजोल्यूशन तो सही था लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये कम था, हमें इसको 300 करना है। और ऊपर की जो साइज रहती है बाय डिफॉल्ट 2480 या 2479, आप जो भी करना कर सकते हैं यहाँ से, और नीचे की ऑटोमेटिक बदल ही जाएगी। अगर नीचे का ऑटोमेटिक नहीं बदल रहा है तो याद रखिए जो कंस्टेंट प्रोपर्शन है इस पे आपका क्लिक नहीं रहेगा, इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आप इसको चेक करके रखें। और फिर आप सिंपल एक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी कार्ड होगा, जो भी फाइल होगी, वो ठीक तरीके से काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमने इस एरर को देखा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप हमें एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा क्या इस तरह के वीडियो आपको और जरूरत है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।